हेलो, आज की वीडियो हमारी DSSB के रिगार्डिंग एक वीडियो है कि लगभग 17-18 हज़ार वैकेंसी आने वाली है दिल्ली के अंदर। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूँ, बहुत दिन बाद मैं वीडियो बना रहा था और आप सबके कमेंट भी आ रहे थे मोहल्ला क्लिनिक को लेके आ रहे थे, तो मोहल्ला क्लिनिक के ऊपर भी थोड़ी सी बात कर लूँगा, नहीं तो एक अलग से वीडियो बना दूंगा। मैंने सोचा इतने दिन बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ तो कुछ पॉजिटिव न्यूज़ दिखा के चलूँ आपको। बाकी इतनी कुछ पॉजिटिव अभी इसके अंदर है नहीं, आप आगे देख लो। दिल्ली के अंदर वैकेंसी हैं 17 हज़ार जो खाली है, इनके ऊपर भर्ती होनी है 2022 में कह रखा है, लेकिन कब तक ये कुछ नहीं पता। तो एक RTI था एक तरह का, या इनका इनका खुद का ऑर्डर था, ये क्लियर नहीं होगा। इसके अंदर ग्रुप A B C की पोस्ट बता रखी थी, कितनी पोस्ट हैं, कितनी खाली है, UPSC और DSSB की, ये मैंने यहाँ बड़ा करके दिखा रखा है। ये रहा टोटल नंबर ऑफ, देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंट पोस्ट इन डायरेक्ट रिक्वायरमेंट रिपोर्टेड बाय वेरियस डिपार्टमेंट। ये क्या खाली पोस्ट है इतनी सारी, 1518। ग्रुप बी में क्या है, लगभग 9 हज़ार के करीब। ग्रुप सी में भी लगभग 7 हज़ार के करीब पोस्ट है। ये UPSC की है, ये DSSB की पोस्ट है, तो हम कह सकते हैं कि लगभग हाँ 17 हज़ार के करीब हमारी पोस्ट है जो वैकेंट है। ये भी है नंबर ऑफ पोस्ट फॉर विच एक्शन इज टू बी टेकन, येट टू बी टेकन, मतलब इनके ऊपर लगभग काम चालू है और इनके ऊपर भी होने वाला है। तो ये लगभग 17 हज़ार पोस्ट है दिल्ली के अंदर। इसके अंदर आपकी फार्मेसिस्ट की, नर्सिंग की और टीचिंग की, उलाना फुलाना ढिकाना जो भी सब कुछ होंगे वो सब इसके अंदर कवर होते हैं। और रही बात मोहल्ला क्लिनिक की, अभी मोहल्ला क्लिनिक की कोई भी अपडेट नहीं है। आपके बहुत सबके कमेंट आ रहे थे कि सर मोहल्ला क्लिनिक के बारे में कुछ अपडेट तो दो, आप एक्टिव हो नहीं हो। एक तो पहली बात तो मैं अभी यहाँ नहीं था, दूसरी बात मैं एक्टिव था लेकिन इसके प्रोसीजर में आपके कमेंट्स भी आए हैं। बहुत सारे बच्चों के कमेंट मेरे पास मेल पे आए हैं, मेल पे उन्होंने इसलिए भेजे होंगे ताकि मैं उनका नाम वगैरह सबको ना बताऊँ, इसलिए मैं उनका नाम बताने का भी नहीं, मैं बस यही बता रहा हूँ। कमेंट्स भी बहुत सारे आए हैं, मेल भी आए हैं, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर RTI लगा दे के हम, कुछ कहने सर इकट्ठे होके चलते हैं, तो इस तरह के आपके बहुत सारी बातें हैं। इनके ऊपर अभी सिर्फ हम एक ही काम कर सकते हैं, आम आदमी वाले खुद ही अभी जेल में भर्ती होने लग रहे हैं तो पहले इनका निमट लेने दो या तो। और दूसरा काम ये हो सकता है कि अभी हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है जो वैकेंसीज वगैरह है इतनी जल्दी क्लियर नहीं करते गवर्नमेंट वाले। तो जो बच्चे सोच रहे हैं कि सर हम RTI डाल दें क्या, आप डाल सकते हो, लेकिन RTI का जवाब मैं अभी बता दूँ, जो आपका आ रहा हूँ अभी बस, जो आपका प्रोसीजर है, मेरी मम्मी बुला रही थी अभी, ठीक है, जो आपका प्रोसीजर है वो वर्किंग के अंदर है। और आपके मतलब वो सीधा ये बोलते हैं RTI में, मैंने कई बार पहले भी देख रखा है, RTI में कहता है कि जो आपकी वैकेंसीज है वो इन बिटवीन है, इन बिटवीन मतलब आपकी प्रोसीजर के अंदर चालू है, और आपको सलाह दी जाती है कि रेगुलर आप ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करते रहें, बस यही दो वो शब्द बोलते हैं, कुछ नहीं बताते। फिर भी जो चाहे तो RTI डाल सकता है, और कुछ दिन बाद रुक के आप क्या है वहाँ भी जा सकते हो, जो इनका द्वारिका के अंदर सेंटर है इकट्ठे होकर जा सकते हो। मैं कुछ इस तरह का व्यवस्था करूँगा ताकि मैं आप सबके कॉमन प्लेटफॉर्म दे पाऊँ, ताकि जो जाने वाले इच्छुक लोग हैं वो वहाँ जाके उस पर अपनी बात कर ले पहले कमेंट्स में, और उसके बाद इकट्ठे होकर जा सकते हैं। ऐसा मैं उस कोशिश करूँगा, लेकिन मैं खुद नहीं आ पाने का, क्योंकि आपको पता है मैं खुद भी जॉब में हूँ, तो मैं शायद ना आ पाऊँ आपके साथ, शायद नहीं, मैं आ ही नहीं पाने का। तो बस इतनी बात थी मोहल्ला क्लिनिक के ऊपर, 1-2 मिनट की बात कभी बाद में कर लेंगे, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। कोई भी क्वेश्चन हो मोहल्ला क्लिनिक से रिगार्डिंग, आप इस वीडियो के कमेंट में कर देना, ताकि जो मैं मोहल्ला क्लिनिक की वीडियो बनाऊँ मैं आपके कमेंट्स को ज़रूर से ज़रूर ले लूँ, और कोशिश करना कि जेन्युइन कमेंट पूछो, और बस इतने कहना चाहता हूँ ताकि मैं सबके कमेंट्स ले सकूँ। और अगर किसी का कोई कमेंट है, किसी ने पहले वो पूछ लिया है, तो आप उसमें बस उसे एक लाइक कर देना उसके कमेंट को, मैं समझ जाऊँगा कि हाँ इतने बच्चों के कमेंट है। बार बार सेम कमेंट बार बार रिपीट होगा तो मुझे भी उस कमेंट को पिक करने में परेशानी होती है थोड़ी। बस इतना ही कहना चाहता था, आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।